सत्य और असत्य के बीच, जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसर या बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए। हमारे लिए वो ईश्वर से कम नहीं। जब राजपूत अपने मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार एक रोज सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम शत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर सात जी ने और मने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को साथ में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। रानी साहब, हुकुम। हाग रिजु ने रोने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो।